हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरी किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं नवरात्रि एक स्पेशल फलाहारी की रेसिपी लेकर आई हूँ। इस फलाहारी का नाम है सिंघाड़े के आटे का हलवा। इसे बनाना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। इसे हम थोड़ी सी सावधानी से बनाएं तो बहुत ही सुंदर हलवा तैयार होता है। जैसे कि हम माप का ध्यान रखें तो हम सारे माप आपको डिटेल्स में बताएंगे। आप हलवे की रेसिपी को लास्ट तक देखिए और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो फ्रेंड्स, अगर सिंघाड़े की हलवे की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए हम सिंघाड़े का हलवा बनाना शुरू करते हैं। सिंघाड़े का हलवा बनाने के लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिया है वो है सिंघाड़ा पाउडर। तो ये बाजार में इजीली अवेलेबल होता है, कोई भी मार्केट में आप पूछिए आसानी से मिल जाता है। तो हमने 100 ग्राम सिंघाड़े का पाउडर लिया है, 100 ग्राम शक्कर लिया है, मिक्स ड्राई फ्रूट्स जिसे हमने बारीक काट लिया है, 50 ग्राम हम घी लिए हैं और आधा चम्मच इलायची पाउडर। अब हम गैस की तरफ चलेंगे। तो गैस पे हमने एक कढ़ाही ले लिया है और कढ़ाही को हम गरम करेंगे। कढ़ाही हल्की गरम होनी चाहिए, हमें इसे ज्यादा गरम नहीं करना है, नहीं तो पाउडर जो है वो जलने लगता है। तो हम सबसे पहले ये पाउडर को डालेंगे और इसे हम ड्राई रोस्ट करेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम पेशेंस के साथ इसे रोस्ट करेंगे जब तक कि एक अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाए और इसका कलर थोड़ा सा चेंज होना है। तो हम इसे स्लो गैस पे धीरे धीरे भूनेंगे। तो हमने स्लो फ्लेम पे इसे 3 से 4 मिनट तक भूना है। इससे खुशबू आने लगी है और सिंघाड़े के आटा का कलर भी चेंज हो गया है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और इसे हल्का हल्का चलाते रहेंगे क्योंकि ये पेंदी में बहुत जल्दी लग जाता है। तो हमने अब इसे क्या करना है, एक खाली बॉल में इसे ट्रांसफर कर लेना है और इसी कढ़ाही में हम पानी गर्म करेंगे। तो हमने इसी कटोरी से सिंघाड़े का आटा लिया था, इसी से हम माप के इसमें 1.5 कटोरी पानी डालेंगे और इसे हम अच्छे से उबलने देंगे। पानी गर्म हो चुका है, अब हम इसमें शक्कर डाल देंगे और इसे घुलने तक हम इसे चलाएंगे। केवल इसे घुल जाने देना है, ज्यादा उबालना नहीं है हमें। जब तक अपना शक्कर घुल रहा है तब तक हम सिंघाड़े के आटे का घोल बना लेंगे। तो हमने सिंघाड़े का आटा जो भून के निकाला था वही आटा है, इसे हम ठंडे पानी से घोल लेंगे। तो हम पानी भी 100 ग्राम ही डालेंगे। क्या है, ठंडे पानी से घोलने पे सिंघाड़े में लम्स नहीं आते हैं, फिर हम इसे शक्कर के घोल में डाल के पकाते हैं। तो हमने 100 ग्राम पानी डाल के शक्कर घोला और 100 ग्राम पानी डाल के हम सिंघाड़े का घोल बनाए हैं। अब हम गैस की तरफ चलेंगे। तो अब ध्यान से देखिए, शक्कर अपना घुल चुका है। अब हम इसी में ये सिंघाड़े का आटा का घोल डालेंगे और इसे हम स्टर करेंगे। इस टाइम पे हमें रुकना नहीं है, कंटिन्यू इसे चलाते रहना है और हम गैस की फ्लेम को तेज ही रखेंगे जिससे अपनी हलवा जो है अच्छे से पक के गाढ़ी हो जाए। देख सकते हैं अपनी सिंघाड़े का आटा जो है गाढ़ा हो गया। अब हम इसमें डालेंगे घी और घी डाल के हम इसे अच्छे से चलाएंगे और साथ में हम ड्राई फ्रूट्स भी डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देख सकते हैं
अपनी कढ़ाई से घी छोड़ने लगी है। हलवा भी बहुत बढ़िया बन चुका है और कलर भी आ गया है, इससे एक अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। तो इस स्टेज पे हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और 2 मिनट तक हम ऐसे ही हलवे को छोड़ देंगे। अब ध्यान से देखिए कितना बढ़िया सिंघाड़े का हलवा बनकर तैयार हुआ है, जरा भी गीला नहीं है, रवे के हलवा जैसा खिला खिला एकदम तैयार हुआ है। तो अब हम इसे सर्व करेंगे। हलवा को हमने सर्व किया, अब हम इसे ड्राई फ्रूट से डेकोरेट करेंगे। तो थोड़ा सा हम इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। आप ध्यान से देखिए कितना बढ़िया हलवा तैयार हुआ है, सिंघाड़े का हलवा बनकर तैयार है। आप इसे देखिए कितना आसानी से बन गया और ये खाने में हेल्दी और टेस्टी भी है। तो इसे हम नवरात्रि में बना के खाते हैं या कोई भी उपवास हो उसे हम बना लेते हैं। ये इजीली मार्केट में मिल जाता है, बनाना भी बहुत ही आसान है और हेल्दी टेस्टी भी है। तो फ्रेंड्स, अगर आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।